समर शर्मा है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ दयालु बालक की। एक बालक था, वह 12 साल का था। उसे घूमना अच्छा लगता था, उसे नई नई चीज़ें खरीदने का शौक था। दिवाली उसका मन बाजार में घूमने को मचलने लगा। उसने माँ से कुछ पैसे मांगे। माँ अपने बेटे की आदत जानती थी, उसने उसे ढेर सारे पैसे दिए। बालक दिवाली के बाजार से मनपसंद चीज़ें खरीदने चल पड़ा। बाजार पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसे एक भिखारी मिला, वह सड़क के किनारे बैठा था। बालक ने सोचा कि ये लोग भी क्यों मांगते हैं, क्या कुछ काम नहीं कर सकते। वह भिखारी को ध्यान से देखने लगा। भिखारी अपने दोनों हाथ फैला रहा था, वह कह रहा था, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। उसे उसके हाथों में उंगलियां नहीं थी, उसकी नाक बिल्कुल चिपटी हो चुकी थी। वह पैरों से चल नहीं सकता था, वह आंखों से देख नहीं सकता था। बालक की समझ में आ गया कि वह भी क्यों मांगते हैं, वह कोई काम नहीं कर सकता, किसने बनाया इसे ऐसा। बालक की आंखों में अब दिवाली की मिठाइयां या खिलौने नहीं थे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सारे पैसे भिखारी के डिब्बे में डाल दिए। बालक दिवाली के बाजार तक नहीं पहुंचा, वह घर लौट गया। लौट आया, माँ ने पूछा, क्या सभी पैसे खर्च कर दिए। बालक ने उत्तर दिया, हाँ माँ। माँ ने इधर उधर देखा, देखूँ तो कौन सा खिलौना खरीदा। बालक चुप हो गया। माँ को संदेह हुआ, क्या सब पैसों की मिठाइयाँ खा ली। माँ ने पूछा, बालक ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ माँ, बहुत अच्छी मिठाई थी। माँ समझ रही थी कि बालक झूठ बोल रहा है। माँ के पूछने पर बालक ने माँ को सच्ची बात बताई। माँ की आंखों में आंसू आ गया। माँ ने बालक को गले से लगा लिया। यह बालक आज बाबा आंटी के नाम से जाना जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है, यह ईश्वर की पूजा है। थैंक यू ये वीडियो सुनने के लिए। बाय बाय।